William Shakespeare's A Midsummer Night's Dream. Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. ड्रामे का जमाना है देवमालाई, ग्रीक मिथोलॉजी का यानी बहुत ही पुराना, इसीलिए इसमें परियां भी हैं और शरारती जिन भी। आम जिंदगी से दूर परियों की दुनिया की 17,200 बोले गए अल्फाज पर मुश्तमिल ड्रीम कहानी। 24 जून को मिडसमर डे कहा जाता था और ख्याल किया जाता था कि मिडसमर नाइट को परियां और चुड़ैलें जश्न मनाती हैं। ये ड्रामा पढ़ते हुए चौसर की द नाइट्स टेल हमारे जहन में घूमती है। ड्रामे का मौजू है मोहब्बत, दोस्ती और ख्यालो वहम बामुकाबला हकीकत। थीसियस Duke of Athens, Aegeus, father to Hermia, Lysander, in love with Hermia, Demetrius, in love with Hermia, Philostrate, master of the revels to Theseus, Quince, Snug, Bottom, Flute, Snout, Starveling, Hippolyta, queen of the Amazons, Hermia, daughter to Aegeus, in love with Lysander, Helena, in love with Demetrius, Oberon, king of the fairies, Titania, queen of the fairies, Puck or Robin Goodfellow, Peace Blossom, Cobweb, Mustard Seed. हम मौजूद हैं एथेंस में और एथेंस का शहजादा थीसियस बेहद खुश है क्योंकि वो अमेज़ॉन्स को फतह करने के बाद लौटा है और सिर्फ 4 दिन बाद जीते गए इलाके की मालिका हिपोलिटा से शादी करने वाला है। अगरचे मालिका ने शिकस्त खाई है मगर वो भी इस शादी से बेहद खुश है और अपनी मर्जी से शादी कर रही है। खुशी के माहौल में थीसियस मलका से कहता है कि ये 4 दिन तो बहुत लंबे हो गए हैं और गुजरने का नाम ही नहीं ले रहे। मलिका कहती है कि शादी का वक्त बहुत जल्द आ जाएगा। थीसियस अपने दरबारी फ्लोस्ट्रेट से कहता है कि शहर के लोगों को कहो जश्न मनाएं, खुशियां मनाएं, गाने गाएं। ये शादी का मौका है और उदास तो मैयत पर हुआ जाता है। गो फ्लोस्ट्रेट, स्टिर अप द एथेनियन यूथ टू मैरिमेंट्स, अवेक द बर्ड एंड निम्बल स्पिरिट ऑफ मार्थ, turn melancholy forth to funerals, the pale companion is not for our pomp. Aegeus, जो कि उसके दरबार का अहम रुकन है, आता है। वो सख्त गुस्से में है और अपने साथ अपनी बेटी हर्मिया और दो नौजवानों डिमिट्रियस और लाइसेंडर को लेकर आया था। वो बादशाह से कहता है कि मेरी ख्वाहिश है कि मेरी बेटी हर्मिया की शादी डिमिट्रियस से हो। Stand forth, Demetrius, my noble lord. This man hath my consent to marry her. मगर वो इस दूसरे नौजवान लाइसेंडर से शादी करने की ख्वाहिशमंद है और मेरी मर्जी के खिलाफ। Stand forth, Lysander, and my gracious duke. This man hath bewitched the bosom of my child. Thou, Lysander, thou hast given her rhymes and interchanged love tokens with my child. Thou hast by moonlight at her window sung with feigning voice verses of feigning love, and stolen the impression of her fantasy with bracelets of thy hair, rings, gauds, conceits, necks, trifles, nosegays, sweetmeats, messengers of strong revealment in unhardened youth. With cunning hast thou fished my daughter's heart, turned her obedience, which is due to me, to stubborn harshness. क्योंकि इस नौजवान ने मेरी बेटी पर जादू टोना किया, उसे झूठी मोहब्बत का यकीन दिलाया और मोहब्बत के गीत सुनाए चांदनी रातों में।
और फूल, खिलौने और मिठाइयों से उसके दिल में जगह बनाने की कोशिश की और इन चीज़ों का मेरी बेटी के दिल में इस कदर असर हुआ कि अब मेरा हुक्म मानने के बजाय वो गुस्ताख हो चुकी है। और ए शहजादे, अब कानून के मुताबिक फैसला सादर कीजिए कि या तो मेरी बेटी मेरे हुक्म के मुताबिक डिमेट्रियस से शादी करे या फिर उसे मौत का हुक्म सुनाया जाए। उस मुल्क के कानून के मुताबिक जब कोई लड़की बाप की मर्जी के मुताबिक शादी ना करती तो वो मौत की हकदार थी या फिर तमाम जिंदगी शादी ही ना कर सकती थी। मौत की सजा तो कभी भी नहीं दी गई थी, मगर शहजादा बासूल इंसान था, इसीलिए उसने हर मियाँ से कहा कि तुम्हारे वालिद की वजह से तुम्हारी खूबसूरती है, उसने तुम्हें बनाया है और बिगाड़ने का भी हक रखता है और तुम्हारे लिए बेहतर फैसले ही करता है, तो तुम उसका कहना मानो और जहाँ वो कह रहा है वहाँ शादी कर लो, क्योंकि ये नौजवान यानी डिमेट्रियस खूबसूरत और अच्छा इंसान है। तुम्हारे पास फैसला करने के लिए 4 दिन हैं, आगे तुम्हारी मर्जी कि मरना कबूल करोगी या बाप की मर्जी के मुताबिक शादी। हरमिया ने शादी से इसलिए इनकार किया था क्योंकि एक तरफ तो वो लाइसेंडर से मोहब्बत करती थी और दूसरी तरफ उसे ये इल्म था कि डिमेट्रियस ने उसकी प्यारी सहेली हेलेना से इजहार मोहब्बत किया था, मगर अब उससे शादी की ख्वाहिश कर रहा है जबकि उसकी सहेली उसको बेपनाह चाहती है। बेचारा लाइसेंडर, जो शादी की उम्मीद लगाए बैठा था, अब बेहद परेशान था, मगर उसने फैसला किया कि हरमिया को लेकर एक दूसरे इलाके में अपनी आंटी के पास चला जाएगा। उस जगह पर कोई बेवकूफाना और जालिम कानून ना था और वो हरमिया से शादी कर सकता था। उसने अपने फैसले से हरमिया को आगाह किया और उन दोनों ने रात को नजदीकी जंगल में मिलने का प्रोग्राम बनाया ताकि वो दोनों फरार होकर अपनी आंटी के घर जा सकें। अपने फरार होने के बारे में हरमिया ने अपनी सहेली हेलेना को भी बता दिया। हेलेना एक मासूम और बेवकूफ लड़की थी जिसने डिमेट्रियस को इस बारे में बता दिया। वो सोच रही थी कि अब मेरी मोहब्बत डिमेट्रियस हरमिया के पीछे जंगल में जाएगा और मैं भी वहां पहुंच जाऊंगी और इस तरह कम से कम उससे मुलाकात तो हो जाएगी। लोग अपने शहजादे की शादी की खुशियां मनाने की तैयारियां कर रहे थे। चंद लोगों ने तफरीह के लिए एक ड्रामा करने का सोचा और अपने अपने किरदार बांटने लगे। परियों का बादशाह ओबेरॉन और परियों की हसीन मालिका टिटैनिया इसी जंगल में रहते थे जहां हरमिया और डिमेट्रियस ने मिलने का फैसला किया था, मगर बादशाह और मलिका आजकल एक दूसरे से नाराज थे। नाराजगी की वजह वो एक इंसानी बच्चा था जो मलिका के पास था। इस बच्चे की माँ मलिका से मोहब्बत करती थी और मर चुकी थी। बादशाह की भी ख्वाहिश थी कि वो बच्चा हासिल करे और उसे अपना जानशीन बनाए, मगर मलिका ने साफ इनकार कर दिया था कि वो बच्चे को हरगिज ना देगी और बादशाह से अलहदा अपनी परियों के साथ रहती थी। बादशाह अपनी मलिका से मिलने आया और दोबारा बच्चे का मुतालबा किया, मगर जिद्दी मलिका ने उसे दोबारा इनकार किया और गुस्से में अपनी परियों के साथ वहां से चली गई। बादशाह ने गुस्से में मलिका को सजा देने का सोचा और अपने शरारती भुतने रॉबिन गुडफेलो को तलब किया। शरारते करने में और लोगों को परेशान करना उसका महबूब मशगला था। उसे पख के नाम से भी पुकारा जाता था। बादशाह ने उसे हुक्म दिया कि उस फूल को तलाश करो कि जब उसके अर्क को किसी की आंखों में लगाया जाता है तो वो उससे शदीद मोहब्बत करने लगता है जिसको सबसे पहले देखता है। मैं ये अर्क मलका की आंखों में लगवा दूंगा और इस तरह उसे शर्मिंदा करके उससे बच्चा हासिल कर लूंगा। अब बादशाह क्या देखता है कि डिमेट्रियस और हेलेना एक दूसरे से लड़ते झगड़ते आ रहे हैं। डिमेट्रियस को गुस्सा है कि हेलेना उसके पीछे क्यों आई है, क्योंकि वो तो हरमिया के लिए वहां आया है जबकि हेलेना उस पर जानो दिल से फिदा है और कह रही है कि वो जहां जहां जाएगा वो उसके साथ ही रहेगी। बादशाह ने ख्वाहिश की कि डिमेट्रियस हेलेना से मोहब्बत करना शुरू कर दे जो कि उससे मोहब्बत कर रही है। उसने रॉबिन
पक शरारती भुतने को हुक्म दिया कि थोड़ा सा अर्क डिमेट्रियस की आंखों में डाल दे। हेलेना भी डिमेट्रियस को तलाश करते हुए उधर आ निकली और लाइसेंडर की आंख खुली तो सबसे पहले उसी को देखा और जादू के अर्क की वजह से उससे इजहारे मोहब्बत करने लगा। हेलेना को इल्म था कि ये तो हर्मिया से बेइंतहा मोहब्बत करता है, तो उसने ख्याल किया कि ये मुझे बेवकूफ बना रहा है और मेरा मजाक उड़ा रहा है। मगर जादू की वजह से लाइसेंडर हेलेना के पीछे पीछे उससे मोहब्बत की बातें करता जा रहा था। हर्मिया की जब आंख खुली तो उसने लाइसेंडर को गायब पाया और अकेली उसको तलाश करने रवाना हो गई। परियों के बादशाह ओबेरॉन ने डिमेट्रियस को सोते हुए देख लिया, जिसको बहुत तलाश के बावजूद हर्मिया और लाइसेंडर ना मिले थे, और वो थक हार कर जंगल में सो गया था। बादशाह ओबेरॉन ने मोहब्बत का अर्क उसकी आंखों में भी लगा दिया। मगर उसी वक्त हर्मिया लाइसेंडर को तलाश करते वहां आ गई और डिमेट्रियस की आंख खुली और उसने हेलेना को सबसे पहले देखा और उसे दिल दे बैठा। जादू चल चुका था। अब दोनों नौजवान डिमेट्रियस और लाइसेंडर हेलेना के आशिक बने बैठे थे। अब सूरत हाल ये थी कि दोनों सहेलियां एक दूसरे से लड़ रही थी, क्योंकि वो दोनों समझ रही थी कि दूसरी ने साजिश की है। इससे खतरनाक और संजीदा मामला डिमेट्रियस और लाइसेंडर के दरमियान था, जिन्होंने हेलेना को हासिल करने के लिए लड़ाई करने का फैसला कर लिया था। और मामला बिगड़ते देखकर शरारती भूत ने पक को अपनी गलती का एहसास हो चुका था और उसने बादशाह के हुक्म के मुताबिक फैसला किया कि इन दोनों को थका कर सुला दे और दोबारा हालात को सही करने की कोशिश करे। निक बॉटम नामी शख्स बादशाह की खुशियों में होने वाले ड्रामे के सिलसिले में जंगल आया तो शरारती पक ने उसके सर पर गधे का सर लगा दिया। परियों की मलका जब जागी तो उसकी नज़र गधे के सर वाले निक बॉटम पर पड़ी और आंखों में जादुई अर्क की वजह से वो उसकी दीवानी हो गई। अब हालत ये थी कि मलका साहिबा गधे के सर को अपनी गोद में रखे उसे प्यार कर रही थी और मोहब्बत के गीत गा रही थी और उसके अजीबोगरीब बाल और लंबे लंबे कानों पर फिदा थी। और निक बॉटम साहब इस बात से बेखबर के मलका तो जादू की वजह से मोहब्बत की बातें कर रही हैं, बहुत गरूर में मुब्तला हो चुके थे और मलका की परियों पर अजीबोगरीब अहकाम चला रहे थे। जब वो अपने गधे के सर को मलका की गोद में रखे सो रहे थे तो बादशाह के वहाँ आने पर मलका सख्त शर्मिंदा हुई और इस बात पर तैयार हो गई कि वो छोटे बच्चे को बादशाह को दे देगी। बादशाह ने सोचा बहुत हो चुका, अब मलका को जादू से आज़ाद कर देना चाहिए। मलका और बादशाह के दरमियान सुलह हो चुकी थी और वो दोनों बहुत खुश थे। लाइसेंडर और डिमेट्रियस की आंखों में अर्क डाल दिया गया। वो जब सोकर उठे तो अब डिमेट्रियस के दिल में हेलेना की मोहब्बत थी और लाइसेंडर दोबारा हर्मिया की मोहब्बत में गिरफ्तार। उन चारों को पिछली बातें याद तो थीं, मगर वो उनको ख्वाब तसव्वुर कर रहे थे और अब पिछली यादें भुलाकर एक दूसरे के साथ बहुत खुश थे। थीसियस हिपोलिटा और ईजियस यानी बादशाह होने वाली मलका और हर्मिया का बाप जंगल में मौजूद थे और वहाँ चारों मोहब्बत करने वालों से उनकी मुलाकात हुई। जब उनको तमाम हालात के बारे में मालूम हुआ तो हर्मिया के बाप ने उसे लाइसेंडर से शादी की इजाज़त दे दी। बादशाह ने कहा मेरी शादी के दिन ही उन सब की शादी की जाएगी ताकि खुशियों में इजाफा हो। उन सब की शादी हो गई और परियों की मलका और बादशाह ने उनकी शादी का जंगल में जश्न मनाया। वो सब नाचे और उन्होंने गाने गाए और अच्छे मुस्तकबिल के लिए नए जोड़ों को मुबारकबाद दी। ड्रामे के आखिर में पक ने कहा कि अगर किसी को ये पसंद नहीं आया या वो ये ख्याल करता है कि ऐसी बातें तो मुमकिन ही नहीं हैं, तो
इसे अ मिडसमर नाइट्स ड्रीम मौसम बहार का एक ख्वाब समझकर हमारी गलतियों को माफ़ कर दें।